नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे कि इस सिंगर सिलाई मशीन जिसका मॉडल नंबर M1005 है का उपयोग कैसे करते हैं। अब हम आपको इस सिंगर सिलाई मशीन के लिए ज़रूरी सामान दिखाएंगे। इसमें इस रील को छोड़कर बाकी सब सामान मशीन के साथ आए थे। यह पावर सप्लाई है, ये फुट स्पीड कंट्रोल करने का है जो मशीन की स्पीड कंट्रोल करता है, ये शटल या बाइबिन है, और यहाँ छोटे छोटे अटैचमेंट हैं जो मशीन के साथ आए थे। इस सफ़ेद पैकेट में बहुत सारी सुई हैं। ये बहुत छोटी सी मशीन है, ये देखिए करीब 10.5 इंच चौड़ी है, ये 9.5 इंच ऊंची है। अब हम इस मशीन के हिस्सों या पार्ट्स के बारे में बताएंगे। ये हैंड व्हील है, इसको हाथ से ऐसे घुमा सकते हैं, ये देखिए। इसे देखिए, ये सुई भी चलती है। ये धागे की रील लगाने का स्पूल है, रील लगाने के लिए इसको इस तरफ कर लेते हैं और मशीन रखते समय इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ये धागा ले जाने का थ्रेड गाइड है, ये बाइबिन वाइंडर और बाइबिन स्टॉपर है बाइबिन में धागा भरने के लिए, ये थ्रेड टेकअप लीवर है धागा ले जाने के लिए, और ये धागे में टेंशन एडजस्ट करने का डायल है। ये जो है सिलाई की लंबाई और पैटर्न का डिजाइन सेट करने का डायल है, इसमें बहुत सारी सेटिंग हैं। ये उल्टी या रिवर्स सिलाई करने का स्विच है, इस समय ये नॉर्मल सिलाई है, इसको जब दबाएंगे तो उल्टी सिलाई हो जाएगी। इसको छोड़ने पर ये स्विच अपने आप वापिस आ जाता है और फिर नॉर्मल सिलाई होगी। यहाँ बाइबिन या शिटल लगाते हैं, यहाँ बाइबिन ऊपर से लगाते हैं। ये प्रेस फुट है कपड़ा दबाने के लिए, इसको उठाने या नीचे करने के लिए पीछे एक प्रेस फुट लीवर है, मैं दिखाता हूँ। इस लीवर को नीचे करने पर प्रेस फुट नीचे जाता है, इस लीवर को ऊपर करने पर प्रेस फुट ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब हम फुट स्पीड कंट्रोल को फिट करने का तरीका बताएंगे। देखिए ये पैड है, इसको दबाएंगे तो दबेगा और मशीन चलने लगेगी। ये पिन मशीन में लगाते हैं, ये देखिए ये इसमें ऐसे लग गया, ठीक है। फिर इस पैड को नीचे जमीन में रख लेते हैं और पैर से दबाते हैं। इसमें लंबा सा तार भी लगा है जिससे जमीन तक चला जाए पैड। फुट कंट्रोल का ये जो पतला हिस्सा है, इसको पैर के नीचे आप अपनी तरफ रखेंगे और मोटा है वाला हिस्सा आपकी दूसरी तरफ रहेगा। आप इसको हाथ से भी दबा सकते हैं, पैर से चलाएंगे तो आसान होगा। ये सिलाई मशीन की पावर सप्लाई है, ये प्लग बिजली की मेन सप्लाई में जाएगा और ये सिरा मशीन में जाएगा। पहले हम ये सिरा मशीन में लगाते हैं। देखिए लग गया। अब ये प्लग हम सप्लाई में लगा देते हैं। इस प्लग के जो दो पिन हैं, उनकी बीच की दूरी ऐसी है कि 3 पिन सॉकेट के लिए है, वो 2 पिन सॉकेट में ये नहीं आ रही। अब हमने ये पिन मेन में लगा दी और हम मेन ऑन कर देते हैं। देखिए लाइट भी जल गई, कितनी सुंदर लाइट है। मशीन में कोई ऑन ऑफ का स्विच मशीन में नहीं है, ये देखिए ऐसा है। इसको मोड़ देते हैं और फिर रील डाल देते हैं। ये धागा पहले इधर जाएगा, इसके बाद या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा।
धागा अगर सुई में डालना है तो यहाँ बीच से आता है और इधर जाता है। अगर यहाँ बाइबिन में धागा भरना है तो धागा ऐसे जाएगा। पहले हम बाइबिन में धागा भरेंगे। मैं बाइबिन में जाने का ये धागे का रास्ता पास से दिखाता हूँ। ये धागा है, धागा ऐसे घूमेगा, ऐसे आएगा, इस तरह से। फिर ये सिरा बाइबिन में लगेगा, ठीक है? यहाँ देखिए, बाइबिन में छोटा सा होल है। हम ये धागा लेते हैं और बाइबिन के अंदर से इस होल में धागे को डालते हैं। देखिए, धागा पड़ गया। अब हम बाबिन को ऐसे बाबिन होल्डर में दबा देते हैं। फिर इस बाबिन को इधर स्टॉपर की तरफ दबा देते हैं और इस धागे को हल्का सा पकड़ के रखिए। अब हम पावर स्विच ऑन करेंगे। ये जो स्पीड कंट्रोल है, इसको पैर से दबाते हैं, मगर हम आपको हाथ से दबाकर दिखा रहे हैं। ये देखिए, धागा बढ़ना शुरू हो गया। सुई में कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। जब बाबिन में जरूरत के मुताबिक धागा भर जाता है तो इसको स्पीड कंट्रोल को दबाना बंद कर देते हैं और इस बाबिन को वापस दबाते हैं और इस तरह इसको निकाल लेते हैं। अगर बाइबिन पूरी भरेंगे तो स्टील ऑटोमेटिक वापिस आ जाएगी। और यहाँ से धागा काट देते हैं। अब हम बताएंगे कि बाइबिन कैसे मशीन में फिट होती है। बाइबिन यहाँ लगती है। पहले आप पावर ऑफ कर दी, जिससे सुई हाथ में न लगे। उसके बाद बाइबिन फिट करेंगे। यहाँ देखिए, प्लास्टिक का कवर है। इसको दबाकर अपनी ओर खींचिए तो ये बाहर आ जाएगा और ऐसे वापस लग जाता है। इसको निकाल कर अलग रख दीजिए। धागा कैसे जाना चाहिए ये मैं पास से दिखाता हूँ आपको। देखिए, सिटी लगाना या बाइबिल लगाना पास से देखिए। धागा की दिशा ध्यान से देखिए। देखिए, ऊपर से जा रहा है ये। बाइबिन मशीन में लग गई। इसके बाद ये धागा बाहर लाना है। यहाँ पर दो कट हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। धागा पहले इस कट से बाहर आएगा और इस रास्ते से होते हुए दूसरे कट से होकर पीछे चला जाएगा। पहले धागा इस कट से बाहर निकालते हैं। थोड़ा धागा खींचेंगे तो ऐसे आ जाएगा। इसके बाद इस धागे को थोड़ा सा दबा दीजिए और ये देखिए, दूसरे कट से होते हुए धागा पीछे चला गया। इसके बाद इस प्लास्टिक कवर को लगा दीजिए ऐसे। अब बाइबिन फिट हो गई है। यहाँ धागा डालने की डिजाइन बनी हुई है जो धागा का रास्ता दिखा। देखिए, धागा का रास्ता ऐसे है। बाइबिन से धागा निकालते समय मैंने डंडी से दबाया था, लेकिन ये सिर्फ डेमो के लिए है। आप हाथ से ही दबाएंगे, हाथ का ही उपयोग करेंगे। वो क्या है, हाथ से दबाने पर यहाँ दिखाई नहीं देता आपको, इसलिए मैंने डंडी का प्रयोग किया। अब हम आपको मशीन में धागा डालना बताएंगे। ये रील से जो धागा आ रहा है, पहले इस थ्रेड गाइड में जाएगा, फिर इस स्लॉट में जाएगा, ऐसे होते हुए फिर थ्रेड लीवर में जाएगा और फिर ये सुई में जाएगा। ये लीवर ऊपर होना चाहिए। इसको व्हील को ऐसे घुमाने से ये लीवर ऊपर नीचे होगा, तो इस लीवर को ऊपर ले आते हैं। लीवर ऊपर आ गया।
अब ये धागा रील से यहाँ इस गाइड के बीच से ऊपर जाएगा, फिर इसमें जाएगा। मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, इस थ्रेड गाइड से धागा इस तरह से गाइड के बीच से निकालते हैं। अब ये धागा इस स्लॉट से नीचे आएगा, फिर इस वाले स्लॉट से ऊपर जाएगा। अब ये धागा इस लेवर में राइट साइड से डालेंगे। देखिए, लीवर में धागा पड़ गया। अब ये धागा इस तरह से नीचे ले जाकर इस सुई में डालेंगे। उस सुई को जितना ऊपर हो सके उतना रखिए। इसको व्हील की मदद से सुई को ऊपर कर देते हैं। आप सुई में धागा आगे से डालना है, फिर ये पीछे से बाहर आ जाएगा धागा सुई से बाहर। अगर आप धागा डालने में परेशानी महसूस करते हैं तो इस मैग्नीफाइंग लेंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ से सुई बड़ी दिखती है, मगर आप धागा बिना लेंस के ही लगाइए। ये जो धागे का सिरा है इसमें पुछल्ले होते हैं, तो इसको थोड़ा सा काट देते हैं, फिर सुई में लगाते हैं। देखिए, धागा चला गया सुई में। पीछे से धागा खींच लीजिए धीरे से, और फिर इस प्रेशर फुट के पीछे लेकर के धागा पीछे ले जाइए। अब मशीन हमारी सिलाई के लिए तैयार है। अब हम कपड़े को सिलेंगे। कपड़े को हम पहले तिहरा मोड़ेंगे। ये पीछे प्रेशर लीवर है, उसे प्रेशर फुट को नीचे कर दिया हमने। अभी जो मशीन है, जब पैर से हम स्पीड कंट्रोलर दबाएंगे तब ये चलेगी। अब हमने पैर से स्पीड कंट्रोल वाला दबाया, देखिए मशीन चलने लगी। इस बटन को दबाएंगे तो मशीन उल्टी चलेगी। देखिए, अब हम मशीन की स्पीड चेक करेंगे। देखिए, ये कपड़ा करीब 10 इंच लंबा है। हम इस घड़ी से टाइम नापेंगे कि 10 इंच की सिलाई करने में कितना समय लगा। जब सेकेंड वाली सुई 6 पार आ जाएगी तो हम सिलाई करेंगे। ये देखिए, करीब 20 सेकेंड का समय लगा। 10 इंच की कपड़ा सिलाई करने में 20 सेकेंड लगे। उल्टी सिलाई करने का टाइम एक्स्ट्रा होगा। कपड़े के शुरू और अंत में थोड़ा सा उल्टी सिलाई जरूर करनी चाहिए, जिससे सिलाई मजबूत हो जाती है। अब ये प्रेशर फुट उठाकर कपड़ा निकाल लीजिए और दोनों धागे पीछे कर दीजिए। इस मशीन से इंटरलॉक भी होता है, जो मैंने इस कपड़े पर किया है। मैं पास से दिखाता हूँ। ये देखिए, इंटरलॉक की सेटिंग है। ये ऊपर ये निशान है ना, यहाँ पर जो भी सेटिंग होगी वही डिजाइन बनेगी। ये इंटरलॉक किया हुआ देखिए कपड़े पर। ये मशीन इंटरलॉक के अलावा 4 डिजाइन और कर सकती है। ये देखिए, इसी मशीन से डिजाइन की है हमने चारों टाइप की। जब आपको मशीन प्रयोग ना करनी हो तो यहाँ पर कपड़ा जरूर रखिए और इस प्रेशर फुट को दबा दीजिए नीचे, फिर सुई को भी नीचे कर दीजिए। अगर मशीन अलमारी में रखनी है तो यहाँ से दोनों तार निकाल दीजिए, वरना अलमारी के अंदर तार मुड़कर टूट जाएगा। इस सिंगल सिलाई मशीन का वजन करीब 2313 ग्राम है, या 2.3 kg है।
अब आज यहीं समाप्त करते हैं।